तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गेट स्टॉप सिग्नल, और उसमें दूसरे पार्ट में हाउ टू पास ए गेट स्टॉप सिग्नल एट ऑन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम एंड आल्सो इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, वो दोनों की हम चर्चा करेंगे कि ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में कैसे पार किया जाता है, उसका रोल क्या है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में, दोनों का डिस्कशन करेंगे। और उसके पहले इंट्रोडक्शन के रूप में गेट स्टॉप सिग्नल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, ये गेट सिग्नल का पूरा नाम क्या है, लेवल क्रॉसिंग गेट सिग्नल। तो जहाँ पर लेवल क्रॉसिंग्स लगे हुए हैं और गेट लगे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिग्नल लगाए जाते हैं। तो जिस एलसी गेट पर, जिस लेवल क्रॉसिंग गेट पे सिग्नल लगा होगा, उसको हम कहते हैं इंटरलॉक्ड गेट। इंटरलॉक्ड गेट means signal is there to protect the level crossing gate, और जिस गेट पर सिग्नल नहीं है, वो गेट विदाउट सिग्नल है, तो उसे कहेंगे नॉन इंटरलॉक गेट। सो गेट को वाइडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरलॉक गेट्स एंड नॉन इंटरलॉक गेट्स। इंटरलॉक गेट जहाँ पे गेट सिग्नल लगा हुआ है, और नॉन इंटरलॉक गेट जहां पर गेट सिग्नल नहीं लगा हुआ है। ओके, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रैफिक गेट और इंजीनियरिंग गेट के रूप में हमको मिलता है, कि वो चाहे इंटरलॉक गेट हो या नॉन इंटरलॉक गेट हो, वो ट्रैफिक गेट भी हो सकता है या तो इंजीनियरिंग गेट हो सकता है। तो ट्रैफिक गेट किसे हम कहते हैं, एलसी गेट दोज विच इज सिचुएटेड विद इन द स्टॉप सिग्नल्स ऑफ ए स्टेशन, जो स्टेशन के रोक सिग्नल के मध्य में स्थित है, उससे कनेक्टेड है या उसके भीतर है और स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में है, डायरेक्ट कंट्रोल में है, उसको हम ट्रैफिक गेट कहते हैं। वहाँ पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट्समैन लोग ड्यूटी करते हैं एज ए गेटमैन, तो उसको नाम दिया है ट्रैफिक गेट। और जो गेट स्टेशन के स्टॉप सिग्नल के बाहर है, ब्लॉक सेक्शन में है, उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग गेट। ये इंजीनियरिंग गेट पीडब्ल्यूआई के अंडर में काम करते हैं, दीज गेट्स आर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ पीडब्ल्यूआई। वहाँ पे जो गेटमैन है वो गैंगमैन कैटेगरी से आएंगे, इंजीनियरिंग स्टाफ के लोग गेटमैन की ड्यूटी करते हैं। तो कोई भी इंजीनियरिंग गेट इंटरलॉक या नॉन इंटरलॉक हो सकता है, डिपेंडिंग वेदर गेट सिग्नल इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। सिमिलरली ट्रैफिक गेट, इट मे बी ए इंटरलॉक गेट और इट मे बी ए नॉन इंटरलॉक गेट, डिपेंडिंग अपॉन वेर एनी गेट सिग्नल इज गिवेन और एनी इफ इट इज इंटरलॉक्ड विथ एनी स्टॉप सिग्नल आर नॉट। यदि स्टॉप सिग्नल से इंटरलॉकिंग है तो उसे इंटरलॉक गेट कहा जाएगा, यदि कोई सिग्नल से इंटरलॉकिंग नहीं है तो नॉन इंटरलॉक गेट कहा जाएगा। ओके, देन डिस्टेंस के बारे में, नॉर्मली दिस एलसी गेट सिग्नल विल बी प्रोवाइडेड एट 180 मीटर मिनिमम एडेक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द गेट, एंड दिस गेट सिग्नल मे बी कंबाइंड विथ ए डिस्टेंट सिग्नल आल्सो, एंड अंटिल गेट इज इन ओपन कंडीशन, टिल गेट इज इन ओपन कंडीशन सो इट विल वर्क एज ए स्टॉप सिग्नल, एंड आफ्टर क्लोजिंग द गेट दैट गेट कम डिस्टेंट सिग्नल विल वर्क एज ए डिस्टेंट सिग्नल। जब तक गेट खुला रहेगा तब तक वो डिस्टेंट कम गेट सिग्नल
हमारा स्टॉप सिग्नल का काम करेगा, गेट ओपन कंडीशन में है, और जब गेट बंद कर लेंगे, सिग्नल को ऑफ करेंगे, तो वो डिस्टेंट सिग्नल का काम करेगा। ओके, सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है गेट सिग्नल के बारे में। और इस गेट सिग्नल की पहचान जी मार्कर बोर्ड से किया जाता है, यानी गेट सिग्नल के ऊपर एक जी मार्कर बोर्ड लगा रहेगा। ऑटोमेटिक एरिया में इसी गेट सिग्नल के ऊपर दो मार्कर लगाए जाएंगे, एक रहता है जी मार्कर बोर्ड प्लस दूसरा इल्यूमिनेटेड ए मार्कर बोर्ड। इल्यूमिनेटेड ए मार्कर बोर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके भीतर लाइट जलने का अरेंजमेंट रहता है। तो जी प्लस इल्यूमिनेटेड ए मार्कर बोर्ड ऑटोमेटिक एरिया के गेट सिग्नल में पाया जाएगा, और जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में गेट सिग्नल्स है वहां पे जी मार्कर बोर्ड रहेगा। इस इल्यूमिनेटेड ए मार्कर का पर्पज क्या है, एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द पर्पज एंड व्हाट इज द एडवांटेज इन ऑटोमेटिक एरिया। इफ ए मार्कर लाइट इज अवेलेबल, ऑटोमेटिक एरिया में यदि ए मार्कर का लाइट जल रहा है, तो इसका मतलब गेट क्लोज्ड कंडीशन में है, ओनली ऊपर का ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में है, एंड दैट टाइम लोको पायलट हैज टू फॉलो ओनली ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन रूल। यदि ए मार्कर की लाइट जल रही है, इसका मतलब गेट बंद कंडीशन में है, उसी से उसको एक कनेक्शन दिया गया है, और गेट जब बंद है तो लोको पायलट को सिर्फ ऊपर के ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए रूल को पालन करना पड़ेगा। और यदि ए मार्कर की लाइट बुझी हुई है, वो एक्सटिंग्विश्ड ए मार्कर है, लाइट बुझी है, इसका मतलब गेट ओपन कंडीशन में है, तो इस लोको पायलट को गेट रूल भी फॉलो करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। उसको हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में कि गेट सिग्नल एट ऑन, यदि गेट सिग्नल ऑन है तो लोको पायलट के लिए उस सिग्नल को ऑन में पार करने का रूल क्या है। तो फर्स्ट थिंग, जो इंटरलॉक गेट है वहां पे गेट सिग्नल रहेगा, तो ऐसा स्थिति में जब गेट सिग्नल ऑन है तो फर्स्ट लोको पायलट ही विल स्टॉप हिज ट्रेन एट द सिग्नल, गेट सिग्नल पे गाड़ी को रोक देंगे। आफ्टर दैट ही हैज टू इंश्योर यस जी मार्कर इज अवेलेबल, देन वेट फॉर 1 मिनट बाय डे एंड 2 मिनट बाय नाइट। यानी गेट सिग्नल पर रोकने के बाद दिन में 1 मिनट रुकना है और रात में 2 मिनट रोकना है। 1 मिनट या 2 मिनट रोकने के बाद देन लोको पायलट ही विल प्रोसीड अप टू द गेट। जैसा कि आपको हमने बताया कि गेट सिग्नल से गेट के बीच में एडेक्वेट डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर, सो मिनिमम 180 मीटर। तो लोको पायलट 1 या 2 मिनट के बाद में जाएगा गेट तक। गेट पर जाने के बाद इफ गेट मैन इज अवेलेबल एंड ही इज शोइंग प्रोसीड हैंड सिग्नल आफ्टर क्लोजिंग द गेट, यदि गेट मैन है और वो गेट बंद करने के बाद आगे बढ़ो हाथ सिग्नल दिखा रहा है, देन लोको पायलट विल पास द गेट कॉशियसली। यहाँ पे कॉशियसली वर्ड क्यों यूज किया गया है, सतर्कता पूर्वक पार करना है, क्योंकि गेट को देर में बंद किया गया है, इसलिए लोको पायलट को सावधानी पूर्वक गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। सेकंड सिचुएशन, इफ गेट मैन इज नॉट अवेलेबल, गेट पर जाने के बाद यदि वहां पे गेट मैन उपलब्ध नहीं है, देन एनी ऑफ द ट्रेन क्रू का कोई भी एक व्यक्ति जाके गेट को बंद करेगा। बंद करने के बाद देन अलाउ द ट्रेन टू पास कंप्लीटली, पूरा ट्रेन गेट पास करना चाहिए। पास करने के बाद अगेन वन ऑफ द ट्रेन क्रू ही विल ओपन द गेट फॉर रोड ट्रैफिक, ये गेट को खोलना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट फॉरगेट, वी शुड नॉट कीप द गेट इन क्लोज कंडीशन एंड स्टार्ट आवर ट्रेन, वी हैव टू ओपन द गेट आफ्टर पासिंग फॉर द रोड ट्रैफिक, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ गेट मैन इज नॉट अवेलेबल देन व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द लोको पायलट, फर्स्ट ट्रेन लोको पायलट ही विल स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टेशन
and he will give message to station master in writing. Written memo should be given to the station master to the effect that gate number so and so, kilometer so and so, gate man was not available. This message is very very important because there may be some medical emergency for the gate man, there may be some other problem with the gate man. So compulsorily first train loco pilot he should inform to station master. Next thing, how we will come to know whether it is my first train or second train? So for that we have to contact station master. Station master ko aap walkie talkie mein या किसी दूसरे भी संचार माध्यम से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि इस गेट पर गेटमैन अवेलेबल नहीं है, इसकी सूचना आपको मिली है क्या, एंड अकॉर्डिंगली वी शुड टेक एक्शन. देन नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, सपोज दिस गेट सिग्नल इज इन द ऑटोमेटिक एरिया, देन व्हाट रूल वी हैव टू फॉलो इन ऑटोमेटिक एरिया. एज आई टोल्ड यू, जैसा आपको बताया हमने कि इट विल बी आइडेंटिफाइड बाई जी प्लस इल्यूमिनेटेड ए मार्कर बोर्ड. सो सिंपली व्हेन गेट सिग्नल इज एट ऑन इन ऑटोमेटिक एरिया ऑल्सो लोको पायलट ही विल स्टॉप हिज ट्रेन एट द सिग्नल. सिग्नल पे गाड़ी को रोक लेंगे, वेट 1 मिनट बाय डे एंड 2 मिनट बाय नाइट. देन इफ ए मार्कर लाइट इज अवेलेबल इट मीन्स gate is in closed condition and loco pilot he has to follow the rule of passing automatic signal at on. यदि A marker का light जल रहा है तो हमें सिर्फ automatic signal at on को rule को पालन करते हुए gate को हम pass कर सकते हैं. gate बंद है, इसका meaning है A marker का connection gate की बंद स्थिति से है. तो automatic signal at on pass करने का भी rule same है. थोड़ा क्या difference है, डे टाइम 1 मिनट, नाइट टाइम 2 मिनट, एंड फर्दर लोको पायलट ही हैज टू फॉलो स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10 km/h अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल. तो ऑटोमेटिक ऑन में पार करने का जो रूल है यही है कि आप 1 मिनट दिन में या 2 मिनट रात में रुकने के बाद अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक 10 km/h रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से जाइए. ये 10 km/h रिस्ट्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and loco pilot strictly he should follow. He should not increase the speed more than 10 km/h even though next signal is showing off position, proceed or attention, whatever it is, we should not increase the speed until we reach up to next automatic signal. Second case, if A marker light is not available, यदि ए मार्कर की लाइट बुझी हुई है ऑटोमेटिक एरिया में गेट सिग्नल में, तो हम क्या करेंगे, तो गेट रूल प्लस ऑटोमेटिक रूल दोनों नियमों का पालन करना पड़ेगा. दोनों नियम क्या होगा, 1 मिनट 2 मिनट रात में, 1 मिनट दिन में, 2 मिनट रात में, तो कॉमन है. रुकने के बाद गेट तक जाएंगे और क्योंकि ए मार्कर का लाइट बुझा हुआ था इट मीन्स गेट इज इन ओपन कंडीशन, गेट खुला हुआ है. सो सेम गेट रूल, either gate man is available and closing the gate or any train crew will go and close the gate, then only we can pass the gate. And further, after passing the gate, what is the automatic rule, 10 km/h. so in automatic area we had to keep in mind both the things, ki if gate is open condition, gate rule to be observed strictly, and we have passed automatic signal at on, so we have to follow automatic signal at on rule also, because so many occasions loco pilots they have met with accident because they have increased the speed so many occasions. That's why strictly we have to follow 10 km/h. and gate rule means here suppose gate man not available, then again first train loco pilot he should inform to station master, next station master he has to compulsory inform. Then further were questions are coming, ki is there any gate signal where G marker is not available? Yes, it is possible, that situation is possible. When it is possible, suppose there is a girder bridge
between the gate signal and the gate. Any river is there, any girder bridge is there. So what happens at such gate signal, G marker will not be given. Why? The reason, if G marker is there, then loco pilot, he will follow the gate rule. In case gate signal is at on, then he will follow gate rule. After waiting 1 minute by day, 2 minute by night, wait karne ke baad, loco pilot, he will go up to the gate. Now that passenger train, suppose it is on the girder bridge. So what is the risk? Passengers, they have got the habit, wherever, whenever train is stopping anywhere. So most of the passengers are having the habit, they will open the gate and try to get down. So what will happen on the girder bridge? If any passenger is opening the gate and he is getting outside, he will fall down in the river. So that's why whenever girder bridge is there between gate and gate signal, then G marker will be dispensed with, means G marker नहीं दिया जाएगा गेट सिग्नल में. तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे आन में पार करने का रूल क्या है? बिकॉज जी मार्कर इज नॉट देयर, बट बाय आवर एलआर ट्रिप्स लर्निंग, रोड लर्निंग से हमको मालूम है, यस ये गेट सिग्नल है, इसमें जी मार्कर नहीं है. वर्किंग टाइम टेबल से भी मालूम होगा हमें, और हम रोड लर्निंग में भी ये सीख लेते हैं. तो वहां पे रूल फॉलो करेंगे, ट्रेन विल वेट एट द सिग्नल, हमारी ट्रेन सिग्नल पर रुकी रहेगी. एट वन क्रू, एनी ट्रेन क्रू, ही विल गो अप टू द गेट, ही विल अरेंज क्लोजिंग ऑफ द गेट, उसको इंश्योर करेगा गेट क्लोज करने का. आफ्टर दैट, दैट क्रू, ही विल कम्युनिकेट टू द लोको पायलट थ्रू प्रोसीड एंड सिग्नल और थ्रू एनी अदर कम्युनिकेशन, यस नाउ गेट इज क्लोज्ड, सो दैट लोको पायलट विल नॉट स्टॉप एट द गेट. He will just pass the girder bridge, he will pass the gate, and then gate will be opened for road traffic and further train will continue its journey. So that is the idea how to pass a gate signal at on in case G marker is not available. So आपको हमने brief में बताया कि हमारे LC gate, traffic gate, engineering gate, उसमें interlocked हो सकता है, नॉन इंटरलॉक हो सकता है, एंड हाउ टू पास गेट सिग्नल एट ऑन. सो लोको पायलट गार्ड्स के एग्जाम में गेट सिग्नल एट ऑन पार करने का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है. तो आई थिंक ऑल द पॉइंट्स यू हैव अंडरस्टूड, कोई डाउट है तो पूछिएगा. और एक यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहते हैं, एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो लिफ्टिंग बैरियर है गेट को बंद करने के लिए, लिफ्टिंग बैरियर यूज किया जाता है. तो यदि लिफ्टिंग बैरियर फेल हो गया, खराब हो गया, तो थोड़े गेट में, थोड़े एलसी गेट में स्टैंड बाय के रूप में स्लाइडिंग बूम दिया गया. स्लाइडिंग बूम का मतलब गेट में उस बूम को ऐसे खींच के बंद करता है गेट को, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग बूम. तो अभी जो लेटेस्ट रूल है उसमें क्या है, पहले पुराने टाइम में था कि लिफ्टिंग बैरियर फेल है और स्लाइडिंग बूम बंद करके फिर हम सिग्नल को ऑफ किए हैं, गेट सिग्नल को. तो पुराने टाइम में कॉशन ऑर्डर देने का रूल था कि लोको पायलट को स्टेशन मास्टर, ही विल गिव कॉशन ऑर्डर, सो दैट लोको पायलट विल नॉट गेट डाउट कि भाई लिफ्टिंग बैरियर तो ऊपर है और गेट सिग्नल ऑफ है, तो उसको डाउट आएगा, इसलिए कॉशन ऑर्डर देते थे. लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट नंबर 2 है टू द न्यू जी एंड एस आर, उसमें चेंज किया है रूल कि इंटरलॉक गेट है वो चाहे लिफ्टिंग बैरियर से बंद किया गया है या स्लाइडिंग बूम से बंद किया गया है, वहां पे स्टेशन मास्टर को कॉशन ऑर्डर देने का आवश्यकता नहीं है, इट इज डिस्पेंस्ड विथ, उसको रिमूव कर दिया गया है. लोको पायलट टोटली ही शुड डिपेंड अपॉन द सिग्नल, ही शुड नॉट वरी अबाउट द लिफ्टिंग बैरियर और एनीथिंग. एंड इन नॉन इंटरलॉक गेट यदि है, क्योंकि वहां सिग्नल नहीं है और वहां पे लिफ्टिंग बैरियर के बदले स्लाइडिंग बूम यूज करके बंद किया गया है, तो नॉन इंटरलॉक गेट के लिए स्टेशन मास्टर, ही विल इशू कॉशन ऑर्डर टू द लोको पायलट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज. सो दैट्स ऑल, दैट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट.
आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या किसी दूसरे भी कम्युनिकेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और जाते जाते लास्ट में आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू अगेन।